हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ वी आर गोइंग टू राइड दिस राइडर एंड दिस इज अ बाइक। वी आर गोइंग टू राइड। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. आज का ये ब्लॉग रोड का है। हम लोग बाई रोड कोंडा सिटी में अपने मेन जा रहे हैं। अभी यहाँ से जाकर वी मार्ट में जाएंगे। कुछ बहुत सी चीज़ें दिलचस्प हैं जो उसमें दिखाऊंगा। कुछ अपने गोंडा के बारे में बताता हूँ। यहाँ गोंडा में लोगों से ज़्यादा गुंडे रहते हैं। इसको गुंडों का शहर कहा जाता है, ऐसा लोग मानते हैं और कमेंट भी करते हैं। और कुछ है जो इस गोंडा को बहुत ही खास और अलग बनाता है। रुतबा बरकरार रहना चाहिए, चाहे कम करना पड़े या कांड। यहाँ के लड़कों के बायो पे ये सारी चीज़ें लिखी आसानी से भी लिखी जा सकती हैं। अगर भौंकने से दम दिखाया जाता तो आज कुत्ते भी शेर होते, ऐसा कुछ लोगों का डायलॉग रहता है। उनसे बहस करता है, रिप्लाई में देते हैं, बेशक तुम जल रहे हो लगातार रहो, किसी बात का घमंड नहीं है, बस दोगले में बैठना पसंद नहीं है, भौकाल एटीट्यूड है, ऐसी बातें करते मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों का अलग अलग डायलॉग। मानता हूँ कि बुरा हूँ, लेकिन दो चेहरे नहीं रखते। और भाई साहब, एक से एक मिलेंगे, लिखा मिलेगा, इज्जत नेटर करती है जनाब। अलोर मियाँ खलीफा के भी हैं। तारीफ करो या बदनाम, लेकिन सालों में ऊपर करो, गाली भी देंगे या बकवास करोगे तो। और ये सुंदर खतरनाक रास्ता जा रहा हूँ, लोग बाइक से हैं, थोड़ी स्पीड ज़्यादा है बाइक की, थोड़ी रोड भी साफ है, इसमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और हम लोग जा रहे हैं। तारीफ करो या बदनाम, लेकिन सालों मुँह पर करो, ये लाइन थी तो मैंने कहीं पढ़ी थी, लिखी हुई थी। किसी का एहसान नहीं है हम पर, जितनी भी पहचान है खुद के दम पर है। ये मेरा भी एटीट्यूड है, ये मैं अपने बारे में भी कहता हूँ। जिनकी नज़रों में हम बुरे हैं वो अपनी आँखें डोनेट कर सकता है। ये खतरनाक एकदम, ये ट्रक के पीछे लिखा हुआ मिल जाता है। और अब दूसरों को जलाना एक हुनर है जो हमें बखूबी आता है। तुम जलो और जलो ज़्यादा, अरे बाप का क्या जाता है। ये भाई हम लोग सिटी के अंदर थोड़ा एंटर करके, ये बिल्डिंग्स हैं जो कि बनी हुई कॉर्नर पे, आप देख सकते हैं। लिटिल बिट टाइम थोड़ा सा हम लोग रुके थे यहाँ। गोंडा को दबंगों का शहर भी कहा जाता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। ये यूपी डिस्ट्रिक्ट का एक खतरनाक ज़िला। यहाँ बहुत बड़े बड़े बाहुबली नेता होते हैं जो कि पूरा पूरा शहर निकल जाए भाई। उन लोगों का अलग जलवा रहता है। जब रोडों पे उनका काफिला निकलता है तो ख़तरनाक वाला निकलता है। ब्लैक स्कॉर्पियो तो ब्लैक स्कॉर्पियो दिखेगी, बस आप गिनते जाओ, उनकी लाइनें नहीं ख़त्म होंगी। यदि कोई फॉर्चूनर लेके चल रहा है तो उसका स्वैग अलग रहता है भाई। ये वाइट कलर की फॉर्चूनर रखेंगे और जब चलेंगे उसका ख़तरनाक स्वैग रहेगा। आप बस देखते रह जाओगे, उनके झंडे देखोगे, एटीट्यूड देखोगे, और जो उनके लोगों साथ रहेंगे, उनके लोग रहेंगे, उनकी ख़तरनाक एटीट्यूड देखोगे और रास्तों में जाम। ये सब यहाँ की खूबियाँ हैं और बहुत सारी खूबियाँ हैं गोंडों को, जो कि खूबसूरत बनाती हैं और एक अच्छा भी बनाती हैं। थोड़ा इसका एक एटीट्यूड क्रिएट हो चुका है दबंगों में कि ये एक दबंगों का शहर है। मैं मानता हूँ कि यहाँ है और हम लोग भी इस शहर से बिलोंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं चौराहे पर भाई, यहाँ ट्रैफिक पुलिस धूप में तो रहती नहीं है, कोई किधर से भी आया जाए, चारों तरफ से रास्ता है, थोड़ा डेंजर हो जाता है इस तरह बाइक चलाना। और आज आप देख सकते हैं इस वीडियो में लगभग लोग मिलेंगे कि वो बाइक कैसे चला रहे हैं, लगभग आप तुम्हें मिलेंगे बिना हेलमेट वाले। और नेताओं की बात करें तो यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, यहाँ विधायकों की कमी नहीं। गोंडा शहर से बहुत बड़े बड़े नेता निकलते हैं। और जब तक भारत देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी नहीं बने थे, गोंडा का नाम अस्वच्छ शहरों में नंबर एक पर था। लेकिन उसके बाद में गोंडा में बहुत बदलाव आया है और आप इस वीडियो में आसानी से देख सकते हैं कि रोडों पर कितनी साफ सफाई है। और ये तब और देखने लायक रहता है जब मिस्टर योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ विजिट करते हैं, गोंडा में आते हैं, और तब देखो रास्तों पर पुलिस वालों ही दिखेंगे हर 100 मीटर पर, और इतनी ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी दिखेगी और रोड तो इतनी नीट क्लीन दिखेगी। हर जगह बोर्डिंग लगेंगे, होल्डर्स लगे रहेंगे और हॉस्पिटल्स में सब जगह साफ सफाई रहती है। मैं तो चाहता हूँ कि मिस्टर योगी आदित्यनाथ
हर मंथ में कम से कम एक बार गोंडा विजिट किया करें, और गोंडा की तब खूबसूरती और स्वच्छता देखने लायक रहती है। यहाँ पर मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी आए थे और यहाँ महाविश्वविद्यालय की नींव भी रखे थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बनना था, लेकिन वो सब अब पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिकल चीज़ें कब क्या होगा वो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ जब ये बनेगा तो गोंडा की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी और ये गोंडा की खूबसूरती में चार चांद बाइक ड्राइविंग करते हुए अब एकदम क्लोज आ गए हैं। ये वी मार्ट है जो कि गोंडा सिटी में बना हुआ है, इसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा सेकंड वाइफ नाम का होटल है, वहाँ पर खाने की चीज़ें बड़ी लजीज और स्पेशल मिलती है, बहुत ही मज़ा आता है। अब हम लोग एकदम पहुँच गए हैं करीब और यहाँ से वी मार्ट में इंटर करेंगे। भाई इसके सामने जो पार्किंग एरिया डिसाइड की गई वहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होती है और जगह भी बहुत कम मिलती है कि बाइक पार्क कर दो। एक बार बाइक पार्क कर दोगे तो फिर आसानी से निकलेगी नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा ट्रिक का यूज करते हैं और फ्रंट पे थोड़ा साइड बना है, बस यहीं चिपका देते हैं बाइक और उसके बाद में सीधा एंट्री वी मार्ट के अंदर। अब ये वी मार्ट के आसपास की जगह है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमेशा एकदम बिजीएस्ट रोड रहता है। ये आप देख सकते हैं ये एकदम फ्रंट सीन है अब वी मार्ट का, ये देख रहे हैं आप, बहुत धूप थी और हम लोग गर्मी से चल रहे थे। अब थोड़ी राहत मिलेगी वी मार्ट के अंदर, एसी चलती है और इसके ऊपर पैसे नहीं पे करने होते क्योंकि हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, शॉपिंग चीज़ें देखते हैं, ये फेवरेट जगह, यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें मिल भी जाती हैं कभी कभी, लेकिन फॉर्चुनेटली कभी कभी बार बार नहीं मिलती। बहुत सारे लोग हेलमेट के साथ सीधा एंट्री इन, ये है वी मार्ट और वी मार्ट के अंदर हम लोग आ सकते हैं। वी मार्ट में एंट्री हो चुकी है, बस खासा चीज़ें पसंद नहीं आ रही, जो सोच के हम लोग आए थे वो हो नहीं रहा। ये मेरा भाई भटक रहा है इधर, इसको भी कुछ दिख नहीं रहा, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही है और उसको अफोर्ड हम लोग नहीं कर सकते। वीडियो आप सभी को देखकर कैसी लगी, अच्छी लगेगी तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और यदि हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गुरु।